मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी, नाम तो सुना ही होगा, जिसके वीडियो आते ही पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मच जाता है। विपक्ष वीडियो को शेयर करके सरकार पर प्रहार करते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान ध्रुव राठी ने देश में क्रांति की मशाल जला दी। ध्रुव राठी युवाओं का हीरो बनकर उभर रहे। ध्रुव राठी अपने वीडियो में अंधभक्तों और मोदी सरकार के कामों की दावे की पोल खोलने का काम करते हैं। लोगों को वीडियो काफी पसंद भी आते हैं। इसके बाद उन्हें लोगों की गालियां भी मिलती है। इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि मेरे खिलाफ फर्जी आरोप लगाना, रोजाना जान से मारने की धमकी देना, अमानवीय अपमान सब कुछ शामिल होता है। ये सब कुछ किया जाता है, लेकिन अब मुझे इस सब की आदत पड़ गई है। अगर आप एक ध्रुव राठी को चुप कराएंगे तो हजार नए लोग उठ खड़े होंगे। YouTube पर ध्रुव राठी की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि उनके कई वीडियोस को 1 करोड़ से अधिक व्यूज मिले। दिल्ली के करीब हरियाणा के रोहतक में अक्टूबर 1994 में जन्मे ध्रुव राठी की माँ टीचर और पिता इंजीनियर हैं। उनकी शुरुआत शिक्षा रोहतक में ही हुई और फिर उन्होंने दिल्ली के DPS RK पुरम से आगे की पढ़ाई की। ध्रुव राठी ने एक वीडियो में बताया था कि उनके घर में एक डेस्कटॉप कंप्यूटर था। उन्होंने मलेशिया में अपने पिता से वीडियो कॉल पर बात करने के लिए उस कंप्यूटर में वेब कैम लगाया था। उसी के जरिए ध्रुव राठी ने पहला वीडियो भी बनाया था। आपको बता दें, महाराष्ट्र में मीर भयंदर वसई विरार पुलिस ने पिछले सप्ताह एक वकील के खिलाफ FIR दर्ज की। उन पर आरोप है कि उन्होंने राज्य में लोकसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वाले यूट्यूबर ध्रुव राठी के वीडियो को कथित तौर पर शेयर किया था। ध्रुव राठी को लेकर सोशल मीडिया पर जंग छिड़ गई और लोग जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। पूरा देश ध्रुव राठी के हिम्मत को सलाम कर रहा है। आइए जानते हैं सोशल मीडिया पर लोग क्या कुछ लिख रहे हैं। एक यूजर हैं जैकी यादव, वो लिखते हैं, जो यूट्यूबर सरकार की चाटुकारिता करते हैं उन्हें केवल सरकार से कुछ लाभ मिल सकता है और कोई अवार्ड भी मिल सकते हैं। मगर ध्रुव राठी ने भले ही सरकार के खिलाफ जाकर रिस्क लिया है, मगर इनका जिक्र आज विदेशों में भी जोरों पर हो रहा है। एक साधारण से लड़के का शून्य से उठकर इतने बड़े स्तर तक पहुंचना अपने आप में एक अभूतपूर्व कार्य है। वहीं एक यूजर है मूर्ति नैन, वो लिखते हैं, ध्रुव राठी का वीडियो शेयर करने पर वसई के वकील आदेश बंसोड़े के खिलाफ वसई स्थित मानिकपुर पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज की। आदेश बंसोड़े का जुर्म ये है कि इन्होंने यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करने वाले एक वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया था। ध्रुव राठी ने 19 मई को नरेंद्र मोदी फाइल्स अ डिक्टेटर मेंटेलिटी नामक वीडियो अपलोड किया था, जिसे अब तक 15 मिलियन बार देखा जा चुका है। वीडियो में ध्रुव राठी ने आरोप लगाया कि मोदी लोगों का विश्वास और वोट हासिल करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाकर उन्हें गुमराह कर रहे। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सार्वभौमिक सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है। ऐसा लगता है कि भारत अब केवल नाम का लोकतंत्र रह गया है। यह FIR और पहले की ऐसी ही बहुत सारी घटनाएं एक ऐसे देश की खतरनाक प्रवृत्ति को दर्शाती है जो व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रताओं के पूर्ण दमन और कानून के शासन और लोकतंत्र की अवहेलना की राह पर चल पड़ा है। संक्षेप में एक निरंकुशता, क्या आप अब भी यही मानते हैं कि देश में लोकतंत्र कायम है? अपने विचार साझा करें। वहीं एक यूजर हैं डॉक्टर मोनिका सिंह, वो लिखते हैं कि इसे कहते हैं दुनिया में ध्रुव राठी का डंका बज रहा है। वहीं एक यूजर हैं अंशिका सिंह यादव, वो लिखते हैं, एल्विश यादव ध्रुव राठी पर एक रोस्ट वीडियो निकालने वाला है। सही है, जब खुद से कुछ ना हो तो दूसरे के नाम पर पैसा कमाओ। एल्विश यादव कुछ भी कर ले, ध्रुव राठी ने जो कमाया है एल्विश अगले 500 साल में भी नहीं कमा सकता। वैसे आपको बता दें कि एल्विश यादव ने अपने समाज और देश में एक पैसे का योगदान नहीं दिया है। ये सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को तोड़ने का काम करता है। और रही बात ध्रुव राठी की, तो आपको अच्छे से पता है इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए इस बंदे ने अपने करियर तक दाव पर लगा दिया। ध्रुव राठी वास्तव में देशभक्त है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं।